ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया को हम कैसे डायग्नोज कर सकते हैं, इसका ट्रीटमेंट क्या है, कब हमें डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, इसमें क्या लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस हम ले सकते हैं और इससे क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, आज हम इनके बारे में बात करेंगे। गुड आफ्टरनून डॉक्टर प्रीति शर्मा, सीनियर कंसल्टेंट पल्मोनोलॉजी एंड क्रिटिकल केयर एट अपोलो क्लिनिक चंडीगढ़। ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया को हम कैसे डायग्नोज कर सकते हैं? अगर कोई भी इंसान हमारे पास कुछ प्रॉब्लम्स के साथ आता है, जैसे कि बहुत ज़्यादा दिन में थकावट होना, या फिर लाउड स्नोरिंग होना रात के समय, या फिर कंसंट्रेशन प्रॉब्लम्स होना, या फिर नींद ना आना रात को, तो इनमें हम इस हिस्ट्री के बेसिस पे स्लीप टेस्ट करते हैं, जिसको हम पॉलीसोमनोग्राफी भी कहते हैं। ये एक ओवरनाइट स्लीप स्टडी है जो कि हम हॉस्पिटल या घर में भी कर सकते हैं। इसमें हम आपके काफ़ी सारे सेंसर्स लगते हैं, जिसमें हम एक एयर फ्लो सेंसर होता है, आपकी हार्ट रेट बीपी मॉनिटरिंग होती है, आपकी अब्डोमिनल थोरेसिक जो भी ब्रीदिंग के लिए मूवमेंट है उसके लिए बेल्ट्स होती हैं, प्लस आपकी आई मूवमेंट तक को मॉनिटर करते हैं, और उसमें स्लीप स्टेजेस को भी हम मॉनिटर करते हैं विद योर ईईजी। तो ये सारी लीड्स लगा के हम पेशेंट की एक स्टडी करते हैं जो ओवरनाइट स्टडी होती है, जिसके रिजल्ट में हमें एक इंडेक्स मिलता है जिसको हम एपनिया हाइपोएपनिया इंडेक्स कहते हैं, AHI कहते हैं। इसके रिजल्ट आने के बाद हमें पता चलता है कि पेशेंट को ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया है या नहीं है, और अगर है तो किस ग्रेड में है, माइल्ड है, मॉडरेट है, सिवियर है, उसके हिसाब से ही आगे पेशेंट का ट्रीटमेंट इनिशिएट किया जाता है। अगर तो ये माइल्ड डिग्री में है तो हम पेशेंट को लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस, वेट रिडक्शन, स्लीपिंग ऑन द साइड एडवाइस करते हैं कि अल्कोहल या स्लीपिंग पिल्स नहीं यूज़ करें, अपनी साइड में सोएं, तो इन चीज़ों से उनको हेल्प मिल सकती है और उसके लिए हमें और कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन अगर ये मॉडरेट है, सिवियर है, तो इसके लिए हम पेशेंट्स को एक CPAP मशीन्स एडवाइस करते हैं। वो क्या है? कॉन्टीन्यूस पॉजिटिव एयरवे प्रेशर एक मशीन्स होती हैं जिसके थ्रू हम एक नेजल मास्क देते हैं पेशेंट को, जिससे एक कंटिन्यूस प्रेशर आता है और उस प्रेशर से जो ब्लॉकेज ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया की वजह से हो रही थी वो ब्लॉकेज खुल जाती है और पेशेंट आराम से सांस ले सकता है, कोई ब्रीदिंग सेसेशन या एपनिया नहीं होता है, जिसकी वजह से उनकी नींद अच्छे से कंप्लीट हो पाती है, कोई स्नोरिंग नहीं होती और आप सुबह बिल्कुल फ्रेश उठते हैं। तो ये ट्रीटमेंट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रीटमेंट है जिसके लिए पेशेंट समझ नहीं पाते हैं, बट वंस अगर एक बार पेशेंट ये यूज़ करना शुरू कर दे तो उन्हें अपने आप में ही बहुत बदलाव दिखने लगता है। वो एक्टिव महसूस करते हैं क्योंकि आपकी नींद जो पहले पूरी नहीं हो पा रही थी, जो कि फ्रेगमेंट्स में थी, आप बीच बीच में उठ रहे थे, आपको पता नहीं चल रहा था, लेकिन वो नींद अब पूरे अच्छे से कंप्लीट हो पा रही है, तो पेशेंट्स को बहुत बेहतर फील होता है। तो इसके साथ साथ अगर हम कहते हैं कि हम इसको इग्नोर कर दें या लोग कहते हैं कि हमें कोई ज़रूरत नहीं है इन मशीनों की, इससे बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस होने के डर हैं, क्योंकि अगर आपका सांस बीच में रुकता है और ऑक्सीजन सप्लाई ऑर्गन्स को कम होती है तो आपको क्या चांसेस हैं, हार्ट अटैक होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अगर किसी को शुगर है तो वो शुगर अनकंट्रोल्ड हो जाती है, किसी को बीपी है तो बीपी भी अनकंट्रोल्ड हो जाता है, स्ट्रोक होने के चांसेस हैं। तो ये सारी बीमारियां जो कि जानलेवा बीमारियां हैं, वो ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया की वजह से और ख़राब हो सकती हैं और जानलेवा हैं। तो इसीलिए ज़रूरत है कि ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया को पहचानें, उसका डायग्नोसिस करवाएं, उसका ट्रीटमेंट लें, अगर ज़रूरत है तो CPAP मशीन्स को यूज़ करें, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आपकी लाइफ के लिए। तो यही कहना है कि अगर ये चीज़ें करें और उसके साथ साथ आप लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस में अपना अर्ली डिनर कर सकते हैं, अपनी एक्सरसाइजेज इन रिजीम रखें, वॉकिंग करें, वेट रिडक्शन पे अपना ध्यान दें और साथ में अपनी हेल्थ बेनिफिट्स की तरफ देखें, तो हम इस चीज़ को थोड़ा और कम कर पाएंगे अलॉन्ग विद द यूज़ ऑफ CPAP मशीन्स। तो यही कहना है कि आप अपने स्लीप स्पेशलिस्ट को कंसल्ट करें, उनसे ट्रीटमेंट एडवाइस लें कि आपके लिए क्या सही है, ताकि आगे जाके ये आपके लिए बहुत ख़तरनाक सिद्ध ना हो। धन्यवाद।